अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। WhatsApp ने फिलहाल में ही एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसको यूज़ करके अभी हम पैसों का लेन देन डायरेक्ट WhatsApp के जरिए ही कर पाएंगे। अभी आप सभी अपने WhatsApp पर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें डायरेक्ट है जो मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे या फिर रिसीव कर पाएंगे। तो इस नए फीचर को लेकर WhatsApp काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था और इसे फाइनली अभी लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ये फीचर अभी तक नहीं आया है तो कैसे आने वाला है, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी ने सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहां पर WhatsApp को सर्च कर लेना है। अगर आपके पास WhatsApp की कोई अपडेट आई हुई है तो आप सभी ने अपने WhatsApp को अपडेट कर लेना है और उसके बाद आप सभी ने WhatsApp को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आप सभी ने चैट सेक्शन में आ जाना है और वहाँ पर आप सभी ने क्या करना है, जहाँ से हम अपनी गैलरी में जाकर फोटोस या फिर वीडियोस को सेंड करते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद आप सभी को वहीं पर है जो पेमेंट का एक नया फीचर है जो देखने को मिल जाएगा, तो इस पर हमने क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप सभी ने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट है जो ऐड करना होता है। तो दोस्तों, जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है अगर वही नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है तो आप सभी ने अपने बैंक अकाउंट को पर सबसे पहले ऐड कर लेना है और उसके बाद आगे आप सभी ने डेबिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद आप सभी ने यूपीआई पिन को सेट करना होता है, जिसके बाद आप सभी व्हाट्सएप में अभी पेमेंट फीचर को यूज कर पाएंगे। तो अभी बात करते हैं कैसे पेमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी यहां पर है जो मनी ट्रांसफर करने के लिए तीन तरीकों का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी बार कोड का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी शॉप पर जा रहे हैं और वहां पर आप सभी बार कोड को स्कैन करने के बाद मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सभी ने सिंपल व्हाट्सएप में जाकर क्यूआर कोड के ऑप्शन को ओपन करना है और वहां से आप सभी मनी को ट्रांसफर कर पाएंगे। और दूसरे तरीके की अगर बात करें तो आप सभी चैट सेक्शन में जाकर भी अपने फ्रेंड को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके फ्रेंड के पास भी ये फीचर होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड तरीके की अगर बात करें तो यहाँ पर आप सभी UPI ID भरने के बाद भी मनी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी को WhatsApp का यह नया पेमेंट फीचर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे की आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।